Hello students, so as we will discuss about the is matter around us pure, and the today's important topic is solubility. Kya hai ye? Solubility. So let us discuss about the solubility, because it has a concern with the saturated and unsaturated, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड विद अ फ्यू एग्जांपल. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. सो वी विल डिस्कस द डेफिनेशन फर्स्ट. सो डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी of that solute in that solvent. एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि solubility हर solute की हर solvent के लिए different different होगी. ठीक है? If we are talking about the water as a solvent, अगर हम water as a solvent की बात करें तो उस solute की solubility water के अंदर discuss की जाएगी. अगर वो कुछ और है, से बेंजीन है या कार्बन सल्फाइट है, तो ऐसे ऐसे के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे. सो इट हैज ए स्पेसिफिक विद द सॉल्यूट एंड स्पेसिफिक विद द सॉल्वेंट, फर्स्ट थिंग. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब सेकंड बात करते हैं, द टेम्परेचर शुड बी स्पेसिफिक इन द सेम वे जो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं. उसी नंबर लाइन से अभी फिर समझने की कोशिश करेंगे इसे कि क्या है. यहां पर टेम्परेचर फिर भी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, सो उसकी सोल्युबिलिटी वहां पर इफेक्ट होगी. सो ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू फिक्स द टेम्परेचर. टेम्परेचर को क्या करना है? फिक्स करना है. सेम वे में वी हैव टू फिक्स द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जो भी लेंगे उसकी क्वांटिटी को भी क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा. दैट विल बी 100 ग्राम. सो स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या कर दिया? यहां पे 100 ग्राम फिक्स कर दिया सॉल्वेंट. ठीक है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया. दैट विल बी द रूम टेम्परेचर, से 20 डिग्री सेल्सियस. यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा सोल्युबिलिटी को काउंट करने के लिए. एंड द सोल्यूट और सोलवेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. मोस्टली एज वाटर इज द कंसिडर एज द यूनिवर्सल सोलवेंट. सो हम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो सोलिबिलिटी काउंट करते हैं वो वाटर को लेकर करते हैं. सो यहां पर वाटर एज अ सोलवेंट कंसिडर किया जाएगा. सो उसके अंदर यह चीज देख ली जाएगी. अभी जैसे कि वैसे नंबर लाइन के हिसाब से चलते हैं. सो से दिस इज द नंबर लाइन एंड वी आर फिक्सिंग द टेम्परेचर. यहां पर अब टेम्परेचर फिक्स है. दैट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड सेकंड थिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट सॉल्वेंट इज आल्सो 100 ग्राम. सॉल्वेंट कितना ले लिया यहां पे? 100 ग्राम. सो बोथ विल बी फिक्स. इसको चेंज नहीं कर सकते. पॉइंट इज दिस. अभी क्या करेंगे? यहां पर हमने इसके अंदर से सोल्यूट को ऐड करना शुरू किया. सेम वे में वी आर टॉकिंग अबाउट द NaCl. तो NaCl की बात ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो इसीलिए दोबारा NaCl के एग्जांपल को लिया, क्योंकि उसका अमाउंट हमें ध्यान है. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये पॉइंट आ गया 36 ग्राम. चीज को समझना, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है. ठीक है, सो 36 ग्राम जो है, अब इसका क्या आ गया? सैचुरेशन पॉइंट आ गया. यानी कि अब इसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं होगा. किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर. इससे पहले क्या है? ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब और ऐड हो रहा है. इसके बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा. दिस विल बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जितना अमाउंट यहां पर डिसॉल्व होगा इसके लिए, सैचुरेशन पॉइंट के लिए, वो उसकी क्या कहलाएगी? दैट विल बी द कंसीडर्ड एज द सॉल्युबिलिटी. सो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वो अमाउंट सोल्यूट का हो गया जो फिक्स अमाउंट, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाएगी. दैट विल बी कंसीडर एज द सॉल्युबिलिटी. ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. क्लियर है? सो हर सॉल्यूट का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. सो यदि वाटर एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो देन व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इट? सो डेफिनेशन विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या आ जाएगा? 100 ग्राम ऑफ वाटर. क्योंकि वाटर विल बी द इन मैक्सिमम केस वाटर विल बी द एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो हम वाटर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन वाटर. क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी.
कि सोल्युबिलिटी इफेक्ट कैसे होती है व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर. सी वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, लाइक वन इज सॉलिड इन लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस इन लिक्विड. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. विच सॉल्यूशन? सॉलिड इन लिक्विड. हाउ? सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. सो फर्स्ट वन इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. किस केस में इंक्रीज हो रही है? व्हेन द सॉल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में ज्यादा घुलने लगेगा. यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हर केस में नहीं होगा, यूजली होगा. ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. किस केसेस के अंदर? सॉलिड इन लिक्विड. एंड द सेकेंड केस इज डिक्रीज करने पर क्या होगा? ऑन डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड. सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी यूजली. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. यूजली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डिक्रीज. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑल द टाइप्स ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, देन वी विल डिस्कस अबाउट द गैस इन लिक्विड. ओके, सो नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर. व्हेन वी आर टेकिंग द केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देयर इज अ नो इफेक्ट. वहां पर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है प्रेशर का. प्रेशर का यूजली इफेक्ट होता है हमेशा गैसेस के ऊपर. ठीक है, सो यहां गैसेस यूज ही नहीं हो रही है. सो हाउ द प्रेशर विल अफेक्ट दिस सॉल्युबिलिटी? तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो दैट इज द केस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इन लिक्विड. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज. ठीक है, एंड ऑन डिक्रीजिंग इट विल बी डिक्रीज यूजली. Now, what about gas in liquid? Okay, so on increasing the temperature, just opposite ho jayega. First of all, on increasing the temperature, the solubility of gas in liquid will decrease. Ye kya ho jayegi? Decrease ho jayegi. Iska toh bahut hi बेटर एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल से कोल्ड ड्रिंक्स, वी आर यूजली टेक द कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, सो उनके अंदर क्या होता है? जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा? उनकी जो गैस है द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड इन दैट कोल्ड ड्रिंक, वो वहां पर से एस्केप हो जाएगी. सो वहां पर हम देख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसलिए हम उसे कोल्ड ड्रिंक, जितना ठंडा होगा उतना ही वो आपको अच्छा लगेगा. फॉर व्हाट रीजन? क्योंकि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड वो बहुत अच्छे से होगी उसके अंदर. क्लियर? सो अपोजिट क्या हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब जब हम उसे कूल कर रहे हैं, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी यहां पर? इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जस्ट अपोजिट है, याद रखिएगा. सॉलिड की टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, गैस की टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. ठीक है, सो यू जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको चीज समझ में आ जाएगी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का भी आपको पहले ही बोला था कि प्रेशर का भी इफेक्ट होता है. यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बट यहां पर इफेक्ट होगा फॉर प्रेशर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी of gas in liquid will increase. क्या हो जाएगी? वो increase हो जाएगी. Temperature से just उल्टा है, temperature increase हो रहा है तो solubility decrease हो रही है इसके अंदर, gas in liquid के अंदर. But यहां पर pressure increase हो रहा है तो solubility भी increase हो रही है. ठीक है, solubility यहां पर increase होगी. And the second one is opposite हो जाएगा. On decreasing the pressure the solubility will decrease. Solubility क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. इस particular cases में gas in liquid के अंदर. So ये चीज याद रखनी है आपको.
ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, यहां पर गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। सो चारों के चारों केसेस आपको ध्यान रखने हैं, केवल और केवल गैसेस का जो इफेक्ट होता है वो प्रेशर से इफेक्टेड होती है, अदरवाइज सॉलिड कभी भी प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा। सो देयर इज अ नो इफेक्ट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ऑन इंक्रीजिंग जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है, अपोजिट होंगे दोनों के दोनों। और यहां पर प्रेशर का केस सेम रहेगा, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। क्लियर है, ये चारों के चारों पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है ऑन सॉल्युबिलिटी, बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड के केस के अंदर और गैस इन लिक्विड के केस। क्लियर, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर एक प्रॉब्लम सैंपल प्रॉब्लम देते हैं। सो 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है पोटेशियम सल्फेट की वाटर के अंदर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि सॉल्युबिलिटी को हम हमेशा 100 ग्राम के अंदर कंसीडर करते हैं, यहां पर हमें कितने में दिया हुआ है 75 ग्राम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दैट इक्वेशन विल बी, सो सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन विल बी लाइक से 75 ग्राम वाटर डिसॉल्व इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। फाइन, ये हो गया, हमें 100 ग्राम में निकालना है। सो 1 ग्राम वाटर डिसॉल्व इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्लियर, बट अबाउट 100, सो 100 ग्राम, अगर हमने 100 ग्राम में निकाली तो दैट विल बी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के अंदर द सॉल्वेंट है उसका अमाउंट फिक्स होता है, हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, द 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विल कंटेन, सो कितना आ जाएगा 12 बाय 75 इनटू 100, हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारी यहां पर वैल्यू आ जाएगी, सो दैट विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 75, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बी अराउंड 16 ग्राम, कितना आ जाएगा ये 16 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,